उत्तराखंड दिनभर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कुसुम राणा। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सचिवालय सहित देहरादून के सभी विभागों में अटैचमेंट तत्काल समाप्त की। अटैचमेंट में रह रहे कर्मचारियों को अब जाना होगा अपने मूल विभाग में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। अपने पैतृक गांव पंचूर में पारिवारिक कार्यक्रम में हुए सम्मिलित पतंजलि वेलनेस सेंटर का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरिद्वार में हुए विकास कार्यों की सराहना की। कहा, यहां का विकास देखकर रहे वे आश्चर्यचकित। हरिद्वार में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की कही बात। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किए सवाल खड़े। सरकार से व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने का भी किया आग्रह। हल्द्वानी में रेलवे द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान का विरोध हुआ शुरू। एसडीएम कार्यालय पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अतिक्रमण अभियान पर किए सवाल खड़े। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय, आवास कार्यालय, विधानसभा सहित देहरादून में विभिन्न विभागों के कार्यालयों में अटैच कर्मचारियों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने अटैचमेंट में देहरादून में रह रहे कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में वापस जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम के इस निर्देश के बाद आज पूरे दिन भर देहरादून में कर्मचारियों के बीच चर्चाओं का माहौल गर्म हो रहा है। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने देहरादून अटैचमेंट में रह रहे कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन भी पैतृक गांव पंचूर में ही रहे। मंगलवार को योगी ने 28 साल बाद अपने पैतृक गांव में रात विश्राम किया। सुबह उठने के बाद उन्होंने गांव का भ्रमण किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद योगी यमकेश्वर ब्लॉक के पोखरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पतंजलि के वेलनेस सेंटर का दौरा किया। योगी के पोखरी गांव पहुंचने पर वहां के ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। वेलनेस सेंटर का निरीक्षण करने के बाद योगी अपने गांव वापस लौटे और दूसरे दिन भी उन्होंने रात्रि विश्राम अपने गांव में ही किया। अब अपने दौरे के तीसरे दिन यानी गुरुवार के दिन योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास गृह का उद्घाटन करेंगे। योग एक जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है। ये रोग मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति का जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। उस योग के पथ पर चलते चलते श्रद्धाचार्य श्री हमारे इस युग के एक योगी महायोगी के जन्मभूमि पुण्यभूमि के पास ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया। और हमें सौभाग्य है कि एक योगी जो उत्तर प्रदेश सहित देश की सेवा में लगा है, हमारे सनातन धर्म का गौरव वर्धन कर रहा है, हमारी ऋषि परंपरा योग की परंपरा का गौरव वर्धन कर रहा है, उस योगी की भूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। इसके लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। मुझे कल ही यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने यहाँ पर देखा है जो चिंता मैं वर्षों से सुनता रहा हूँ कि उत्तराखंड में प्लान हो रहा है, सरकार, धर्मार्थ संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं एक साथ मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। पतंजलि पीठ ने जो ये कार्यक्रम किया है, ये गांव में बचपन से देखता रहा हूँ। एक प्रकार से पलायन ने यहाँ पर व्यापक पैमाने पर पिरानी खा दी थी और इस क्षेत्र में इस जंगल नहीं, ये पहाड़ है, सूखा पहाड़। इस सूखे पहाड़ पर आपने यहाँ पे देखा है चंदन के पेड़ अब लग रहे हैं, 5-5 फीट 6-6 फीट के हो चुके हैं, उससे भी बड़ी हाइट के हो चुके हैं। नींबू फल दे रहे हैं, आड़ू, खुमानी और भी अन्य 40,000 से अधिक फलदार वृक्ष और अन्य मेडिसिनल प्लांट है वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं और उसके कारण यहाँ पूरा हरियाली दिखाई दे रही है। बड़ी मेहनत हुई है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है और वेलनेस सेंटर का एक आदर्श सेंटर यहाँ पर स्थापित हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि दर्जनों लोग आकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभिनंदनीय प्रयास है और मुझे लगता है कि एक समाधान प्लान का ये भी हो सकता है, यहाँ पर सरकार के साथ साथ
धर्मार्थ और स्वयंसेवी संगठन या संगठन आए एपीओस का गठन करें और फिर इस कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ा करके करेंगे तो व्यापक पैमाने पर नौकरी रोजगार सृजन के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे अवसर बनाए जा सकते हैं जो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस के साथ साथ यहाँ की मैन की समस्या का समाधान। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हरिद्वार के विकास पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरिद्वार का कुछ सालों में विकास हुआ है उसे देखकर आश्चर्यचकित हूं। हरिद्वार सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाओं के मानदंडों पर खरा उतरा है। स्वास्थ्य शिक्षा सहित हर क्षेत्र में जनपद वासियों को बेहतर सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। स्कूलों में 100% शौचालय है। यहाँ तक पशुओं का वैक्सीनेशन भी बढ़कर महज 4 सालों में 50% से 94% हो गया है। यहाँ की हर ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम हरिद्वार में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दें, जिसके लिए एक हस्त निर्मित वस्तुओं का पूरा बाजार भी स्थापित किया जा सके। हरिद्वार में विशेष ध्यान दिया गया है गत 4 वर्षों में, जिस प्रकार से यहाँ के विकास के कार्यों में बल दिया गया है, जिस प्रकार से अलग अलग मापदंड, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, पोषण हो, शिक्षा हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लोगों को आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके, इन अलग अलग मापदंडों के ऊपर जो हरिद्वार में गत 4 वर्षों में काम हुआ है, इसका एक रिव्यू करने के लिए मैं हरिद्वार आया था। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा गढ़वाल के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में करण महारा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यात्रा के पहले दिन ही सरकार विफल हो गई है। पहले दिन ही 3 महिलाओं की मौत ये बताती है कि सरकार यात्रा व्यवस्था को बनाने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा पड़ाव पर पीआओ का भी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसलिए यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं सरकार करे। देखिए, यात्रा में मैंने जो जो शंकाएँ बोली थी वो सही साबित हो रही है। 3 महिलाओं की मृत्यु एक्सीडेंट में हो चुकी है। मैंने जो कहा कि एक इमरजेंसी जो नंबर रिलीज होना चाहिए कि किसको अगर कोई एक्सीडेंट होता है वो कहाँ जाए, कोई उसको अगर कहीं फंस जाता है, कहीं आग लग रही है जंगलों में, कोई गाड़ी अगर आग की वजह से फंस जाती है वो कहाँ जाएँ, किसकी मदद मांगें, किनको उनको फ़ोन करना, ये कोई भी चीज़ जारी नहीं। तो ये दिखाता कि बेसिक जो ज़रूरत है वो तक सरकार ने अपनी कार्रवाई नहीं की। पड़ाव में पानी की कमी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्वास्थ्य का हाल यह है कि जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी भी डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, तो क्या तैयारी है? मेरे को तो लगता है कोई तैयारी नहीं है। हल्द्वानी के काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने प्रीपेड टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर प्रीपेड सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री नैनीताल, भीमताल सहित कई पर्यटक स्थल जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों से अतिरिक्त भाड़ा न लिया जाए, इसके लिए ये प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। साथ ही इस सेवा के शुरू होने से पर्यटकों को आसानी होगी और कहीं भी जाने के लिए वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। जो काठ गोदाम है ये कुमाऊं का द्वार है, सब रेलवे स्टेशन का आखिरी गंतव्य स्थान है। यहाँ तमाम जो है सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जो काठ गोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। तो यहाँ से प्रीपेड बूथ के माध्यम से एक रसीद बुक छपवाई गई जो रेट लिट फिक्स हो गई है। तो अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली, जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा, उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। आरटीओ का रेट है जो हमारी पर किलोमीटर है, जो हमारी छोटी गाड़ी है उनका 16 रुपये पर किलोमीटर है और 6 लाख तक की, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनका 20 रुपये किलोमीटर है। 12 लाख से 25 लाख तक की जो गाड़ियाँ हैं उसका 25 रुपये है और उसके बाद हमारे पास किस्टा आती है, किस्टा का हमारा 30 रुपये है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव एसएस संधू केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने पर मुख्य सचिव अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उनको समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ आने वाले
बने यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। 6 तारीख से शुरू होने जा रही है और इस यात्रा के लिए जो जो हमें व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए हमने यात्रियों को सेंटर में रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे यात्री तीर्थयात्री या जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जनपद में रोड्स की स्थिति बेहतर की गई है, ट्रैक रूट ठीक किया गया है, टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है मेल फीमेल की, प्लस लाइटिंग के अरेंजमेंट्स पहले से काफ़ी बेहतर किए गए हैं। जगह जगह पे हमने नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं ताकि हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर सकें इनकेस बारिश बढ़ती है या क्राउड बढ़ता है तो। साथ ही केदारनाथ धाम में भी हमने व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, रुकने के लिए हमने टेंट्स की संख्या बढ़ाई है। गढ़वाल आए सुशील कुमार ने बिना अवकाश के कार्यालयों से अधिकारियों के गायब रहने की शिकायतों को संज्ञान में लिया है। कुछ दिन पूर्व पौड़ी जिले के विकास भवन में लगभग सभी विभागों से अधिकारी व कर्मचारी नादरत दिखे थे, जिसके बाद गढ़वाल आए सुशील कुमार ने इस विषय पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि बिना बताए गायब रहने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अधिकारियों को उनके कार्यालय में रहना किया जाए। हमने अभी मंडल स्तर के भी और जिला अधिकारियों को भी दोनों को निर्देशित किया है कि यात्रा के समय ये अधिकारी अपने जो ड्यूटी स्थल है उस पर प्रवास करें और उसके अलावा जो अगर कोई अधिकृत अवकाश लेकर जाता है या क्षेत्र भ्रमण में जाता है उसको पूर्व में सूचना रहे तभी मुख्यालय छोड़ें, तो इस विषय में और इसकी समीक्षा की जाएगी और गंभीरता से देखा जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर स्कूल कॉलेज में सैनिटाइजेशन के साथ मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहनने पर 500 का जुर्माना भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं। हाल ही में एक निजी स्कूल में 14 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। कल तक तो विलियम्स गर्ल्स स्कूल में 6 केसेस की पुष्टि हुई थी और अभी हमारे जो सर्विलांस ऑफिसर हैं उन्होंने 14 केसेस की पुष्टि की है फिलहाल। तो हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश किया हुआ है। अभी प्रिंसिपल से एक रिक्वेस्ट भी आया है कि उनके द्वारा कोविड सेल बनाया गया है और उसी कोविड सेल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नियम जो भी नियमानुसार है हम लोग कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में ढोलक बस्ती, बनभूलपुरा और इंदिरानगर सहित अन्य जगहों पर चल रहे अतिक्रमण अभियान का विरोध शुरू हो गया है। कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस अतिक्रमण अभियान का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रेलवे द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को कहना है कि यहां अतिक्रमण हटने से 5000 परिवार बेघर हो जाएंगे। उनको हटाने से पहले उनको घर की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए। वो जो ढोलक बस्ती है, बनफुलपुरा है या इंदिरा नगर है, उसको अपनी बस्ती बता रही है, अपना इलाका बता रही है और इसके लिए लगातार लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहे हैं। पर हमारा कहना है कि जो रेलवे है उसके पास जमीन नहीं है। हम लोगों ने आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई में ये स्पष्ट है कि रेलवे ने केवल 4 नक्शे दिखाए और रेलवे ने खुद स्वीकारा है कि उसके पास जमीन के कागज नहीं है। तो हमारा कहना है कि सरकार जो है वो स्पष्ट करे, एक तो राजस्व विभाग और नगर निगम जो है वो सीमांकन रेखा को स्पष्ट करे, दूसरा जब रेलवे की जमीन है ही नहीं तो रेलवे किस आधार पर जो हम लोगों को उजाड़ रहा है। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ये केवल आज से नहीं रह रहे, आजादी के समय से वहां रह रहे हैं, रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तब से वो रह रहे हैं और आज तक रह रहे हैं, पर आज तक ये मुद्दा नहीं बना। पर आज हमें रेलवे अपनी झूठी दावा कर रहा है कि वो हमारी जमीन और हमें उजाड़ रहा है। हमारे छत नहीं जाना चाहिए, हम छत नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम छत लेकर रहेंगे। कितना टाइम हो गया आपको? हमें हो गया 45 साल, 50 साल मान के चलो, बुढ़े हो गए हैं यहाँ के। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? हमारे छत रुकना चाहिए, बच्चे चाहते हैं, हम भूखे प्यासे पड़े रहेंगे अपनी छतों में, छोटे छोटे बच्चे। मैं रुको, जो पिछले साल जो मेयर हमने ही बनाया मुसलमानों के लिए, हमने ही बनाया, हमने जीता, आज जो मेयर साहब हार गए, जो तो आज वो खिंचानी मिलनी खम्बा लोट रही है कि पानी के पानी दे दिया, अब जाते जाते नौकरी तलाश रहे युवाओं को अच्छी खबर। ONGC ने 3,500 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। ONGC की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रकाशित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे।